हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी जिसे मैंने भी आज तक कभी खाकर देखा नहीं है। जी हाँ, ये राजस्थान की स्पेशल सब्जी वहीं की मतलब मानी जाती है, जिसे हम कैर सैंगरी की सब्जी कहते हैं। तो हम लोगों ने अमेज़ॉन से इसका पैकेट एक लिया था, मतलब वहाँ से परचेज़ किया था हमने, पंचकूटा करके कुछ तो भी एक मतलब उस पैकेट का नाम था। उसके अंदर 5 चीज़ें मिक्स थी, उसमें से थी एक जो लाल मिर्च आती है खड़ी वो, देन उसके बाद थे था उसके अंदर अमचूर और कैर थी, सैंगरी थी, देन नेक्स्ट एक और कोई चीज़ थी उसका नाम मैं भूल गई हूँ। तो मैं वीडियो जब स्टार्ट करूँगी, बनाना स्टार्ट करूँगी, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा दूँगी। तो अगर आप लोगों को भी ये चीज़ परचेज़ करना है, आई थिंक आप लोगों में से कई लोगों ने खाकर देखा भी होगा, जिन्होंने नहीं टेस्ट की इस चीज़ की मतलब ये वाली सब्ज़ी, तो प्लीज़ एक बार खाकर देखिए, आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। जिन्हें खट्टा खाना बहुत पसंद है तो उन लोगों को स्पेशली ये पसंद आएगी ज़्यादा। तो ये सब्ज़ी जो होती है खट्टी होती है थोड़ी टेस्ट में, तो और ये जो सब्ज़ी 2 से 3 दिन तक चलती है। अगर आप लोगों को 2 से 3 दिन तक चलाना हो तो इसके अंदर आपने लहसुन और जो धनिया पाउडर होता है वो मिक्स नहीं करना है, तो ये आपकी सब्ज़ी 2 से 3 दिन तक चल जाती है। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ मैं आप लोगों को किचन में कि हमें इसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी आसान होता है इसे बनाना। सो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, बेसिकली आप लोग यहाँ देख सकते हो जो कैर सैंगरी बनाते हैं उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था जो पैकेट के बारे में अभी आप लोगों को बता रही थी, उसके अंदर मुझे ये 5 चीज़ें मिक्स होकर आई थी। तो मैं आप लोगों को क्विकली बता दूं कि कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं। सो गाइस, ये होते हैं, ये होती है सैंगरी, ऐसे लंबी लंबी आती है, ये कड़क होती है। सॉरी, मैं जब इसको भिगोया था उस वक्त का मैं शूट नहीं कर पाई, तो ये सब कुछ बिल्कुल ड्राई था, इसे मैंने रात भर भिगो कर रख दिया है। उसके बाद ये इस तरीके से हो गए हैं, ये बिल्कुल कड़क थे। ये है सैंगरी, देन उसके बाद ये जो छोटे छोटे से इसमें ये बॉल्स हैं, ये वाले इस टाइप के, ये है कैर, ये खट्टी खट्टी होती है। देन ये जो है इसमें ये चीज़ें, ये है, इन्हें बोलते हैं गुमटिया, आई डोंट नो, यही बोलते हैं शायद, बिकॉज मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मुझे भी अच्छे से इसका नाम वाम नहीं पता। देन ये तो है हमारी मिर्च, खड़ी मिर्च। उसके बाद इसके साथ और ये आता है अमचूर। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पहले धो लिया था, देन उसके बाद 3-4 बार वॉश करने के बाद इसे रात भर भिगो दिया पानी में। देन उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। कई लोग ये जो गुमटिया होते हैं इन्हें इस तरीके से पील करके भी बनाते हैं अंदर की ये निकाल कर, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि ठीक है इसके साथ भी हम लोग बना सकते हैं, तो हम इसके साथ ही बनाएंगे। और अब हम लेंगे इसमें कुकर में 1 सीटी, ताकि ये है तो वैसे काफ़ी सॉफ्ट, बट अगर हम 1 सीटी और ले लेंगे तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। सो चलिए हम 1 सीटी ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है नहीं तो वो फिट जाएगी बिल्कुल। तो चलिए हम इसे कुकर में डालते हैं और 1 सीटी लेने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अब क्या करना है। सो गाइस, यहाँ आप लोग देख सकते हो मैंने इसके ऊपर एक कढ़ाई रख दी है और गैस की जो फ्लेम है वो ऑन कर दी है। और सॉरी, मैंने जब इसमें तेल डाला तो मैं वो आप लोगों को दिखा नहीं पाई, तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब तेल डाला है, बिकॉज इसमें तेल ज़्यादा लगता है इस सब्ज़ी में। सो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे, ये हम लोगों ने काट लिए हैं बारीक बारीक पीसेस में। देन इसके साथ जो मिर्ची आई थी खड़ी मिर्च, वो इस तरीके से उसे मैंने हाफ ऑफ पीसेस में काट लिए हैं। सो गाइस, यहाँ हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है, अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी राई। वन टीस्पून के करीब इसमें मिलाएंगे हम लोग लहसुन,
देन ये वाली मिर्च, थोड़ी सी ब्राउन होने तक तब हम लोग इसमें मिलाएंगे लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी मिलाएंगे 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून हम लोग इसमें मिलाएंगे गरम मसाला, 1 टेबल स्पून इसमें मिलाएंगे हम लोग धनिया, 1 टेबल स्पून को थोड़ा सा भून लेंगे। देन अब हम इसमें डाल देंगे हमारी केयर सेंगरी जो हम लोगों ने बॉईल करके रखी हुई थी। देन गाइस अब हम लोग इसमें मिलाएंगे 1 या 1.5 बड़े चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार मिला लें। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देन जैसे ये थोड़ी सी पक जाए उसके बाद हम लोग इसमें मिलाएंगे ड्राई अमचूर, इस तरीके का जो पाउडर आता है वो। एंड गाइस इस सब्जी को जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं, तो अगर आप लोगों को 2 से 3 दिन तक इसे चलाना हो इस सब्जी को, तो आप इसमें लहसुन और धनिया पाउडर ना डालें, तो ये ज़्यादा दिन तक चल जाती है। तो गाइस अब हम लोग इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब अमचूर पाउडर। इसमें हम थोड़ी सी टेस्ट के लिए शक्कर डालेंगे, अगर आप लोगों को नहीं है पसंद शक्कर को ना डालें, थोड़ी सी डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब। मैंने इसे मिक्स कर लेंगे। गाइस यहाँ आप लोग देख सकते हो हमारी सब्जी जो है बनकर तैयार हो गई है, और मैं भी इसे आज फर्स्ट टाइम खाऊंगी, और इसका टेस्ट मैंने जहाँ तक सुना है बहुत खट्टा खट्टा लगता है, तो इसे पूरी के साथ खाया जाता है, तो देखते हैं अब कैसी लगती है खाने में। सो गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और आप लोग भी इसे मंगा कर देखिए एक बार, टेस्ट कीजिए, नई टाइप की सब्ज़ी है, तो आई थिंक आप लोगों में से कई लोगों ने खाई भी होगी बनाई भी होगी, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, तो अगर आप लोगों के लिए भी नहीं है तो बिल्कुल इसे मंगवाइए अमेज़ॉन से। मैं इसकी लिंक अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग इसे परचेज़ कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।